कॉल करें तो आपको याद आएगा कि हमने तो सिर्फ ना ही सुना है, ऐसे ही है ना। बड़े को ना नहीं कहना, किसी छोटे को भी ना नहीं कहना। और फिर अगर हम अपने रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल ही नो नहीं कहना। नो तो लाइक आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हम ये सुनते 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 बड़े हुए। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि लाइफ क्या है, हमारी ज़िंदगी क्या है, कि हमने एक जो चीज़ें हैं ना वो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती हैं, ऐसी होते हैं ना। एक चीज़ मैंने सीखी, फिर वो मैंने अपनी बच्ची को सिखाई, मेरे बच्चे से फिर उसने अपने बच्चों को सिखाई। सो ये एक विरासत होती है, जैसे कि जायदाद या दूसरी चीज़ों की विरासत मुंतकिल होती है, उसी तरह हम अपने ख्यालात के, अपने एटीट्यूड्स, बिहेवियर, हमारा रहन सहन, तरीक़ेकार, लोगों से कैसे मिलना है, बिहेव कैसे करना है, हम मुंतकिल करते हैं, ऐसे ही होता है। तो ये विरासत हम कैसे मुंतकिल ना करते नो की, क्योंकि हमने तो ये सीखा है कि ऊंचा नहीं बोलना, किसी को ना नहीं करना, कोई बुलाए तो फौरन बात सुननी है, बड़ों को जवाब नहीं देते, ठीक है ना। ये सारा कुछ अब ये विरासत जो है ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आई हम सब में। अब आके 2018 में हम एक टर्म सुन रहे हैं, वो उसको हम कहेंगे विटामिन एन का नाम सुना होगा आपने, सुना है कुछ नहीं। अच्छा जी, आजकल इसको विटामिन एन का नाम दिया जा रहा है। वी शुड टीच आर चिल्ड्रन टू से नो, ठीक है। अब बहुत मुश्किल लगता है हमें जब हम बच्चों को खुद ही कहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आपने देखे तो असर्टिवनेस का नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, ठीक है ना। वी नीड टू असर्ट, गलत बात को गलत, सही बात को सही, एटलीस्ट वी हैव टू रियलाइज कि सही क्या है, यही है ना। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो गया, हमने कहना शुरू किया कि नहीं बेटा जो गलत बात होती है एटलीस्ट उसको तो क्या करें ना, गलत है। अगर टीचर ने आप पे कोई ब्लेम किया या आपको कहा कि यू आर नॉट वर्किंग या यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड, तो एटलीस्ट आप असर्ट करते, आप टीचर को पोलाइटली कहते कि नो मैम आई वॉज नॉट टॉकिंग, यू नो। ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ। कहाँ हमने कौन सी बातें सीखी थी कि टीचर कुछ भी कहे नहीं बोलना, क्योंकि वो तो क्या होगा, गुनाह होगा, ठीक है, बुरी बात होती है, बड़ों के सामने नहीं बोलना। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे फोकस किया, जिसकी बहुत सी देखें रीजंस हो गई। क्या रीजंस हुई, जैसे देखें दुनिया बदल गई, गैजेट्स का दौर आ गया, पहले दुनिया ऐसी नहीं थी। नाउ द वर्ल्ड इज इन योर हैंड, आप एक छोटा सा वर्ड लिखें तो आपके उसके पूरे 10 के 10, 12 के 12 मीनिंग्स, आप एक चीज़ लिखेंगे आपके पास उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट द कंट्री द यू नो मोबाइल इन योर हैंड यू कैन विजिट द कंट्री, आपके पास लाइक इट्स अ ग्लोबल विलेज जिसका नाम हम सुनते थे ना, ये बिल्कुल वही चीज़ है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोगों, क्योंकि एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चों को अभी वो सोचते हैं चीज़ें उनकी पहुँच में हो जाती हैं। यहाँ पे आके हमें थोड़ा महसूस हुआ कि जैसे जो सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो भी हैं, थोड़े हाई अलर्ट हुए हम लोग, ठीक है। वहाँ पे ज़रूरत महसूस ये की जाने लग पड़ी सोसाइटी में कि हमने बच्चे को कैसे बताना है कि बेटा गलत गलत है, सही सही है, और आपने कहाँ पे अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, ऐसे ही है ना। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों सोसाइटीज़ में कुछ एक दो इस तरह के बच्चों के साथ वाकयात हुए, जिसके बाद हमने बच्चों को बकायदा लेसन्स देने शुरू कर दिए, ऐसे ही था ना। पूरा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर्स, लाइक घरों में माएँ बाप सब आपने देखा हो कि सबके सब बच्चों को इस चीज़ पे फोकस करा रहे थे, कोई बुलाए तो आपने बात नहीं सुननी, आपने भागना है, आपने चीखना कैसे है, और कोई स्ट्रेंजर आपको टच करे तो कौन सा बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, ये सब कुछ था ना। अब जब ये सारा कुछ हमने बच्चों की ज़रूरत महसूस शुरू की तो हमने सोचा कि अच्छा देयर इज समथिंग कि बच्चों को क्यों ना इस चीज़ पे रियलाइज़ कराया जाए कि पॉजिटिवली आपने अपने ऊपर बर्डन महसूस ना करते हुए ऐसी चीज़ों को नो कहना है जो कि नेसेसरी नहीं है, ठीक। जैसे अब ये नहीं हो सकता कि बच्चा सुबह उठना चाहे और आप कहें उठें और वो कहें नो, ये तो नहीं होगा ना, ठीक है। ये तो फिर क्या होगा, फिर ये तो आपकी पेरेंट्स की रिट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो रही, ठीक। अगर बच्चा आप कह रहे हैं कि अच्छा बेटा स्कूल जाओ, वो कह रहे हैं नो, ये नहीं है, ठीक है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि इंस्टीट्यूट्स के अंदर
बुलीज होती हैं, ठीक है, बच्चे अक्सर आके कंप्लेन करते हैं. इट्स वेरी कॉमन कि अभी मतलब कुछ दिन पहले मेरी बेटी भी ये कह रही थी, मामा आपको पता है एक ग्रुप बहुत स्ट्रांग है मेरी क्लास में. अब ये इट्स वेरी नेचुरल, अब बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं क्लासेस में एक ग्रुप थोड़ा स्ट्रांग होता है, एक थोड़ा नॉर्मल होता है, एक बिल्कुल ही बेचारे समस्या उससे होते हैं, ठीक है. अब इन चीज़ों को जैसे डील करना है, अगर आप इस सिचुएशन में बच्चे को कहेंगे कि बेटा आपने चुप रहना है, तो आप समझते हैं कि ये वो दौर है कि बच्चा चुप रह के कोई जो है वो क्रिएटिविटी कर सकता है, या वो अपना नाम बना सकता है, या वो कोई जगह बना सकता है क्लास में? नहीं, क्योंकि ये जो अब जो हमारा एक चल रहा है कल्चर है हम लोगों का, ये जो टाइम है दिस इज़ वेरी फास्ट, इसमें हमने बच्चों को चुप रहना, बस चुप ये वाला लेसन नहीं देना. हमने बच्चों को इस चीज़ पे लेके आना है कि बेटा आप खुद से फाइंड आउट करें कि आपको कौन सी बात जो है वो फेवरेबल है, और कौन सी बात आपको लगती है कि ये आपकी फेवर में नहीं, और आपने उसको किस तरीके से हैंडल करना है. बेसिकली सेइंग नो इज़ द लाइक इट्स अ हैंडलिंग, इट्स अ टेक्निक्स कि बच्चे को हमने ये टेक्निक सिखानी है कि उसने कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, वो सिचुएशंस जो उसके लिए सूटेबल नहीं है. गॉट इट? यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? जो सिचुएशंस उसके लिए सूटेबल नहीं है उसको उसने आराम से हल करने है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को फोर्स कर रहे होते हैं. एक मदर ने मुझे ये कंप्लेन की कुछ अर्सा पहले, मुझे शी विजिटेड माई क्लिनिक, तो उसने मुझे कहा कि मेरा बेटे की वो तो पढ़ना चाहता है मगर जब उसके दोस्त उसे फोन्स करना शुरू करते हैं और फिर बाद में डोर गेट पे आके डोर बेल्स देते हैं तो वो फिर ना नहीं कर सकता उनका. यू नो, अब दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमने बच्चे को रियलाइज कराना है कि बेटा आपके हक में क्या चीज़ है. ठीक है, डू यू वॉन्ट टू रियली प्ले? एट टाइम क्यों होता है वाकई बच्चा नहीं जाना चाह रहा होता, वाकई वो कहता है कि नहीं, डोंट वॉन्ट टू प्ले विद दैम, आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन देयर कंपनी, मैं बिल्कुल जाना भी नहीं चाहता इस सिचुएशन में, लेकिन मामा मैं ना नहीं कर सकता उनको, वो मेरे दोस्त हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, कल को क्लास में मुझे नहीं बुलाएंगे. ये सारी इनसिक्योरिटीज उस बच्चे के अंदर तब आती हैं जब उसको हमने बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता. हम लोगों को जो एक जनरेशनल एक गिफ्ट मिला है ना फैमिली की तरफ से, वो ये है कि नो इज़ समथिंग रॉन्ग, नो इज समथिंग लाइक एक ऐसी चीज़ है जो कि बस आपकी इंसल्ट हो गई है, आप यहाँ से यहाँ आ गए हो, बच्चे ने नो कह दिया तो आपकी तो जो है वो इज्जत खतरे में पड़ गई ना. तो हम फौरन से बच्चे को कहेंगे तुम पहनोगे तो यही कपड़े पहनोगे, अदरवाइज यू आर नॉट ज्वाइन, अदरवाइज यू नॉट गो एनीवेयर, यही होता है ना. अब क्या हुआ कि नो का तो मतलब ही गलत हो गया, हमारी तो सेल्फ इस्टीम खतरे में पड़ी हुई थी एक्चुअली नो सुन के. तो हमने बच्चे को क्या लर्न कराना था, ऐसे ही हुआ ना. एक्चुअली क्या है कि हमें इस सबसे पहले पेरेंट्स या टीचर को ये लर्न करना है कि जब आप नो को सुनते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा गैप दें, आप उनको आज़ादी तो देना, ठीक है, आप उनको थोड़ी सी स्पेस दें, उसके बाद पूछें कि बेटा वाई नो. ठीक है, कभी वाई नो पूछे आप लोगों ने बच्चे से? नहीं पूछा ना कभी. बच्चे ने कहा कि मैंने ये नहीं खाना तो हमने कहा है कभी कि अच्छा क्यों नहीं खाना? आपको पता है कि जब आप थोड़ा आर्गूमेंट्स में जाते हैं अच्छा क्यों नहीं खाना तो अगली बात आती है, अच्छा वो क्यों खाना है तो उससे अगली बात आती है, और अगर घूम फिर के बच्चा आपसे एग्री कर जाता है, 80% बच्चा आपकी डिस्कशन में एग्री करता है आपसे, 20% के चांस होते हैं कि आपकी जो है वो सेल्फ इस्टीम को खतरा है, जो कि एक्चुअली नहीं होता. ठीक है, हमने बच्चे को जो है बेसिकली हमने अपनी जो है रेजिस्टेंस जो है अपने ऊपर काम करना है. यहाँ पे आज मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगी सारे पेरेंट्स और टीचर को कि प्लीज़ पहले हम खुद पर काम करें. हमें आदत डालनी चाहिए अपने आप को कि जब बच्चा नो कहना शुरू कर देगा तो हमने उसको सुनना भी शुरू कर देना है. सो हमने जो है इस चीज़ को थोड़ा सा लर्न करना है कि स्पेस कैसे देनी है बच्चों को, किस तरह हमने उनको मौका देना है कि अच्छा आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, आप बताइए आपका क्या इंटरेस्ट है, अच्छा अब ये बच्चा जो है वो ऐसे ऐसे से आर्गूमेंट्स में आएगा और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो जाएगी. क्योंकि हम लोगों ने ये हमारा भी कसूर नहीं है ना, किसी का भी, हमने भी तो ये नो ही सुना था कि बस बड़ों के आगे नहीं बोलते. ठीक है, नो का मतलब ये नहीं होता कि बदतमीजी, पहले तो वी शुड क्लैरिफाई दिस थिंग कि नो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो किसी से बहुत रूड हो. नो मीन नथिंग, देर इज नथिंग रूडनेस एक्चुअली. नो का मतलब ये भी होता है कि जब आप बच्चे को ये सिखा रहे होंगे कोई प्रेशर है उसके ऊपर,
कोई बर्डन है उसके ऊपर, कोई उसको किसी ऐसी कंपनी में बुला रहा है जिसमें वो इंटरेस्ट नहीं करता लेकिन वो जाता है. यू नो, हमने उसको बताना है कि बेटा आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी चॉइसेस हैं. एक्चुअली दिस इज द फियर, फियर ऑफ लूजिंग योर लव वंस, फियर ऑफ लूजिंग योर रिलेशनशिप्स. बच्चा फियर से ऑपरेट कर रहा होता है. असल हम सब खौफ से ऑपरेट करते हैं. आपने देखा है ना, खौफ क्या होता है हमें, इनसिक्योरिटीज़ क्या होती हैं हमें, जॉब ना छूट जाए, हम बॉस की बिला वजह मानते रहते हैं, ऐसे ही है. हम दोस्तों की बिला वजह मानते रहते हैं, यार नाराज़ ना हो जाए, फलाने टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी फिर मुझे हैं गड्डी मंगनी पड़ सकती है, नहीं देगा ठीक है, या फलाने टाइम पे इसने मेरी बहुत हेल्प की थी फिर नाराज़ हो जाएगा ये. पेरेंट्स की क्यों मानते हैं, नाराज़ ना हो जाए ठीक, मतलब कोई मुझसे गलती ना हो जाए. स्पाउसेस की, मियाँ बीवी एक दूसरे की मान रहे होते हैं बिला वजह, क्यों, रिलेशनशिप ब्रेकअप ना हो जाए, कोई रिलेशनशिप्स इश्यूज ना हो जाए, ये इनसिक्योरिटीज होती हैं. लूजिंग लव्ड वंस का बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अब आप देखें हमारे लेवल पे आके हमारे ये इश्यूज हैं. अब एक बच्चे को अगर आप देखें, अगर हम उसको असर्टिवनेस नहीं सिखाते, अगर हम उसको नो कहना नहीं सिखाते, तो बच्चा कितने इश्यूज, कितनी इनसिक्योरिटीज, कितने फियर्स अपने साथ लेके ग्रो करेगा. हमने उनको एक जिसे कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ माइंड, ये देनी है हम, ठीक है. ये अगर हम नहीं देंगे बच्चे को, तो बच्चा उस तरह ग्रो तो करेगा क्योंकि वो एक इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि बच्चे ने बड़े होना है, लेकिन उस तरह बड़ा नहीं होगा फिर जैसे आप चाह रहे होंगे. फिर वो बहुत सी चीज़ों को कंप्रोमाइज करेगा, ठीक है. फिर वो रिजल्ट भी आपको वो नहीं देगा. फिर अगर आप जल सड़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं कि यार ये दोस्तों के साथ रोज़ चला जाता है शाम को, तो वो जाएगा क्योंकि आपने उसको सही नो ही नहीं बताया. आपने उसको नहीं बताया कि बेटा रिलेशनशिप को सेफ रखते हुए आपने कैसे बच्चे को कहना है, दोस्तों को कहना है कि सॉरी यार मैं इस टाइम नहीं खेल सकता, ठीक है, मैं ये मेरा फैमिली टाइम होता है. सो आज की जो नीड ऑफ टाइम है ना, वो यही है कि हमने बच्चे को बताना है कि आपने अपनी कंपैटिबिलिटी, अपनी लाइक्स, अपनी जो ज़रूरियात हैं, अपनी जो अपने चॉइसेस हैं, ख्वाहिशात हैं, वो कैसे प्रेजेंट करनी है, ठीक है. और अगर हम ये नहीं सिखाएंगे ना, तो एक चीज़ मैं और भी बताऊँ आपको, तो बच्चा फिर भी प्रेजेंट करता है, वो किसी और फॉर्म में प्रेजेंट करेगा. बच्चा एक्सप्रेस ज़रूर करता है, बल्कि अगर बच्चा एक्सप्रेस नहीं करेगा ना, तो जब बड़ा होगा ना, तो वर्स एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है. अब बहुत ज़्यादा जो रेशूज़ हैं डिवोर्स के, बहुत ज़्यादा जो खुला के रेशूज़ इज़ बिकॉज ऑफ दिस, कि जब टाइमली आपने उस चीज़ को डिसीजन, राइट डिसीजंस नहीं होते, तो फिर रॉन्ग डिसीजंस पेंड होते हैं. यू नो, वंस यू टेक रॉन्ग डिसीजंस, तो उसका रॉन्ग एंड ही होगा. सो हमने जो है ये जो वाई क्या है कि आज हम यहाँ पे क्यों है सब, या वाई वी आर शेयरिंग डिस्कसिंग दिस थिंग, कि हमने बच्चे को बताना है कि उसने अपनी चॉइसेस को कम्प्रोमाइज नहीं करना. और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसने अपने फियर पे काम करना है, ठीक है. सबसे पहली बात जो है, अब जो वाई की हमने बात शुरू की है, वो ये कि प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. चाइल्ड प्रोटेक्शन, आपने देखा है कि कुछ अर्से थे तो बहुत ही ज़्यादा एक माशरे के अंदर ना अजीब तरह का माहौल है कि हम का जो हमारा ट्रस्ट लेवल है वो बहुत नीचे आया है, और एक इस तरह का खौफ है पूरी एक हमारे दिलों में भी, जहनों में भी. इनसिक्योरिटीज़ हैं, स्कूल्स में बच्चों को भेजें, अकेडमीज़ में भेजें, कहीं पे भी, घरों में बच्चे छोड़ें, तो हमें ये फीलिंग होती है कि इनसिक्योर है, बच्चे इनसिक्योर हैं, ठीक है. एक्चुअली इनसिक्योरिटीज़ जो हैं ये कहीं हवा में, खला में नहीं होती हैं, कहीं हमें बॉक्सेस में नहीं मिलती हैं, जैसे हमें ब्रेड अंडे मिलते हैं फ्रिज खोलो तो. इनसिक्योरिटीज़ हमारी अपनी डिवेलप होती हैं, हम खुद डिवेलप करते हैं इनसिक्योरिटीज़ को. हम लोग ये बच्चे देती हैं, ठीक है. एक एक रशियन एक फिलोसफर है, उसकी बड़ी अच्छी बात है, उसने कहा था कि एक इनसिक्योरिटी जब आप उसको अपने दिल में जगह देते हैं ना, वो फिर छोटे छोटे बच्चे देती है, उसके बाद दूसरी लिंक्ड इनसिक्योरिटी, फिर तीसरी लिंक्ड इनसिक्योरिटी. तो इनसिक्योरिटीज़ पर हमने काम करना है पहले. वी शुड किल आर इनसिक्योरिटी, वी शुड किल आर फियर. और इनसिक्योरिटीज़ पे आप तब काम करेंगे ना, जब आप प्रोटेक्शन, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देंगे बच्चे को. अगर आप बच्चे को यही कहते रहो कि बेटा क्लोज द रूम, कोई भी आए अपने दरवाज़ा नहीं खोलना, कोई भी आए तो अपने दरवाज़ा नहीं खोलना, घर का दरवाज़ा नहीं खोलना, नो नीड टू मीट एनी वन, नो नीड टू गो एनी वेयर, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चा जो है वो उसका क्या, वो कि स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. बच्चा तो और कन्फ्यूज़ हो जाएगा,
वो कहेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं मतलब दूसरे जो लोग हैं वो तो बड़ा अच्छा बड़ा आज़ादी से मूव कर रहे हैं। फिर क्या होगा कि हमने उसको बताना है कि बेटा सब लोगों में रहते हुए हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्या है लिमिट्स आपकी, कैसे कैसे आपने बिहेव करना है, लोग कैसे आपके साथ बिहेव करेंगे, कैसा बिहेवियर है जो आपको लगेगा कि ओह इट्स नॉट लाइक, ये तो इट्स नॉट अकॉर्डिंग द सिचुएशन, कैसा लाइक बातों का क्या स्टाइल है अगले बंदे का कि आपको लगेगा कि नहीं ये आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है। सो हमने अपने बच्चे को सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देनी है बेसिकली। सेंस ऑफ प्रोटेक्शन तब होगी ना जब मैं अपने बच्चे को ये कहूँगी कि बेटा अच्छा अगर आपसे आपका टीचर या आपका कारी साहब या आपका कोई भी या ड्राइवर या गेट कीपर कोई ये कहता है कि अच्छा आप आके आगे फ्रंट सीट पे बैठो, तो मैं उसे कहूँगी कि अच्छा नहीं आपने बैठ जाना एक दफ़ा बेटा, ठीक है, डोंट से नो, नहीं मैं तो कंफ्यूज कर रही हूँ ना, तो मैं उसे कहूँगी कि आपने पूछ रहे कि वाई क्यों, देर इज़ नो लॉजिक, मैं आगे क्यों बैठूँ, ठीक है। और उसके बाद बेटा आप यू हैव टू टेल टू योर एल्डर्स, यू हैव टू टेल टू योर टीचर्स, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जो है, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन हमने जनरेट करनी है, यू नो जैसे हम जनरेट करते हैं ना चीज़ों को, एनर्जीज जनरेट करते हैं, इस तरह हमने अपने बच्चों को सेंस ऑफ प्रोटेक्शन जनरेट करनी है। और वो पोलाइटली हमने स्लोली स्लोली उनको गाइड करना है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं तो ठीक है, कौन कौन से हैं जो कि कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है, कौन से हैं जो कि नॉट अर्जेंट इवन द नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। जब हम ये चीज़ें बच्चे को देंगे तो यहाँ पे हम बच्चे को लर्न कराएंगे कि बेटा आपने हद से ज़्यादा बढ़ने वाले को आपने नो कह देना है। आप 10 काउंसलर्स के पास भी बच्चे को ले जाएंगे, जब तक आप बच्चे को मदर्स और फादर्स टाइम नहीं देंगे और उसके बाद टीचर, तब तक बच्चा लर्न नहीं करेगा। सेकेंड, जो वाई की हमने बात की, तो वाई के बाद हमने प्रोटेक्शन की बात की, और अभी जो है वो आइडेंटिटी, मेंटेन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समझते हैं ना क्या होता है, आपकी शनाख्त, यही होता है ना, मतलब अगर आपकी कोई शनाख्त ही नहीं है तो फिर आप क्या हैं, आप एग्जिस्ट नहीं करते ना, कहीं पे भी जाते हैं तो वी हैव टू शो आवर आईडी कार्ड, ऐसे ही है ना। सो हमारी जो आइडेंटिटी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये नहीं पता बेसिकली कि ठीक है नेम तो आपकी एक आइडेंटिटी होता है, फॉर स्ट्रेंजर्स लाइक मी मुझे नहीं पता तो मुझे बताएं कि क्या आई एम दिस, उसके बाद आपको ये नहीं पता आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, आपका एम्स और गोल्स क्या हैं, ठीक है। आइडेंटिटी तो ये होती है ना कि जब आपको पता हो कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी गोल सेटिंग, आपकी अचीवमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मिलके आपकी शनाख्त बनती है ना। जैसे एट टाइम क्या होता है कि आप कहते हैं अच्छा आप कौन, तो आप कहते हैं यार मैं फलाने का बेटा, ठीक है, अब आपको नहीं जान रही लेकिन जो फलाने का बेटा जो है वो आपकी आइडेंटिटी है क्योंकि उनकी एक शनाख्त है, ऐसे ही होता है ना। उनकी शनाख्त किसी वजह से थी, कोई पोस्ट, कोई एजुकेशन, कोई उनकी अचीवमेंट, कोई कारोबार, ऐसे ही होता है ना। सो आइडेंटिटी जो है वो इंसान की तब पॉलिश होती है, इंसान तब बहुत वेल आइडेंटिफाई होता है जब हम उसको एक स्पेस देते हैं, जब हम उसको ग्रो करने देते हैं, जब हम उसको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर मैं आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना दूँ, कोई मैं आपको लाइक इस तरह की स्पेस ना दूँ, मैं आपको मौका भी ना दूँ, मैं आपको ला के कमरे में बिठाऊँ, कोई लेक्चर ना दूँ और उसके बाद मैं पूछूँ मैंने क्या पढ़ाया था या व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, तो आप क्या होंगे, कन्फ्यूज़ होंगे ना, क्या आइडेंटिटी होगी, कुछ नहीं होगी, ठीक है। सो हमने जो है बेसिकली जो ये से टीच आर चिल्ड्रन टू से नो, बेसिकली हमने उनको आइडेंटिटी तो देनी होती है। बच्चे ने कहा जी मैंने साइंस नहीं पढ़नी, तुम तो पढ़ोगे बेटा, तुम्हारे तो दादा ने साइंस पढ़ी है, तुम्हारे बाप ने पढ़ी है, तुम्हारा चाचा पढ़ रहा है, माँ तुम्हारी पढ़ी है, तुम साइंस कैसे नहीं पढ़ोगे, और तो कुछ सोचो भी ना। अब उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि बच्चा आपके लिए बहुत ही शोहरत वाला होगा और बहुत रिजल्ट्स देगा, नॉट पॉसिबल। फिर आपको बच्चे को जो है वो आपको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसने अपनी चॉइसेस को कंप्रोमाइज़ की है तो फिर आप भी रिजल्ट्स को कंप्रोमाइज़ करना सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर बच्चों को कहना पड़ता है कि अच्छा आप वेट करें, जस्ट वेट एंड सी, देखें आप सर्च करो कि इस सब्जेक्ट के या इस चीज़ के कितने लोग सक्सेसफुल हैं, आप उन पर छोड़ दें। पॉजिटिव सेल्फ इमेज की जब हम बात करते हैं, वो तो पॉजिटिव सेल्फ इमेज तभी तो बच्चा क्रिएट करेगा जब आप उस पर ट्रस्ट कर रहे होंगे। बच्चा आके ये कहे कि अच्छा वो
मेरी मदर जो है उन्होंने मुझे बहुत पावरफुल कहा, तो माँ ने एकदम से देखेगा मैंने कब कहा तुम्हें, अब माँ ने तो फन में कहा ना, लेकिन बच्चे का जो एक सेल्फ इमेज था या एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत नीचे आया, ठीक है। अब नेक्स्ट वो ट्रस्ट नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, वो छुप छुप के बात शुरू कर देगा, ऐसे ही है ना, वो ज़्यादा जिसे कहते हैं स्टोरीज बनानी शुरू करेगा और माँ से थोड़ा हट जाएगा, साइड पे हो जाएगा, ऐसी जगहों पे डिस्कशन करेगा जब मैं मदर नहीं उसकी होंगी, ठीक है। सो हमने जो है ना बच्चों को कॉन्फिडेंट करना है, हमने उनको बताना है कि बेटा आप, आपकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, यू आर स्किलफुल इनाफ, यू आर कॉन्फिडेंट इनाफ, यू कैन डू इट, ये आपकी फैमिली है, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वी कैन अफोर्ड दिस। बच्चों से फ्रेंकली डिस्कस किया करें। अच्छा, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द फीलिंग्स बेसिकली, अच्छा बात क्या होती है, बच्चों की फीलिंग्स होती हैं, यू नो उनके भी एहसास होते हैं, उनको इज्जत चाहिए होती है, उनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। बच्चे से अगर कितने लोग हैं जो आप करके बच्चे से बात करेंगे, नहीं ना, गुड, वेरी गुड। मोस्टली अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि बच्चे को नॉर्मली हम बॉदर ही नहीं करते, हम उसको कहते हैं इधर आओ, जूते उठाओ, इधर आओ, ठीक है, बच्चे को आपको असिस्ट करना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने माँ बाप टीचर बड़े को असिस्ट करना है, उसको हेल्प करनी है, पता होना चाहिए उसको। लेकिन इसका छोटे होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करें, या उसकी कोई सेल्फ इस्टीम नहीं है, या उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या उसको वो हर्ट नहीं होता, या उसकी फीलिंग्स नहीं है। अगर आप कभी बच्चों से पूछें कभी, जैसे मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है 1-to-1 सेशंस में, कभी पूछें तो बच्चों के बड़े दुख होते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है जब उनको सबके सामने लाउड बुलाया जाता है। और फिर बच्चे क्या करते हैं आपको पता है, वो अपना वो भी गम गलत करते हैं अपना, कहाँ पे, वो अपने दोस्तों से शेयरिंग करते हैं, दोस्तों के पेरेंट्स से शेयरिंग हो जाती है, अपने ड्राइवर से होती है, उनकी गेट कीपर से होती है, शॉप कीपर से होती है, गली के अंकल चाचा वगैरह से शेयरिंग होती है, जो कि रॉन्ग शेयरिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि रॉन्ग शेयरिंग है। फिर हम कहते हैं बेटा फलां की जगह क्यों खड़े थे, उस उधर उनके पास क्यों खड़े हुए थे, क्योंकि जब आप नहीं सुन रहे होंगे, आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम नहीं कर रहे होंगे, जब आप उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होंगे जो कि आपको खुद भी चाहिए होती है, ठीक है। आपको कैसा लगे अगर आप थोड़ा सा देखें कि बच्चा, आप अपने पूरे खड़े हुए ऑफिस वर्क एम्प्लॉइज के साथ और बच्चा आपको तू करके बुला रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो यू फील रियली बैड ना। सेमे से बच्चे को भी लगता है, उसको भी लगता है कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा जो है लाइक मुझे भी ओबलाइज करें, मुझे भी एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। जब अब ये सारी सिचुएशंस में हम बच्चे को लेके आएंगे ना, तो फिर ही हम उसको डे टू डे लर्निंग देते हैं। अच्छा, गलती हम क्या करते हैं, हम गलती करते हैं कि तुम से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी मैं फ़ौरन से ये कहूँ कि अच्छा तुम खड़े होके बताओ कि तुमने क्या सीखा, तो एकदम से मतलब आपके अंदर क्या फीलिंग्स आएंगे, डोंट फील गुड ना। आप कहोगे कि बता तो दोगे, लेकिन अगर आपको कैसा लगे मैं ये कहूँ कि अच्छा लेट्स रिवाइज द सेशन, चले हम अभी रिवाइज करते हैं, अच्छा लगेगा ना आपको, यू फील रिलैक्स, आपको लगेगा कि अच्छा यू डोंट फील बर्डन, रिवीजन तो हो जाएगी हमारी लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि जो यू लैंग्वेज है ना बच्चों के साथ, जो हम तुम की लैंग्वेज यूज़ करते हैं आपके, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। हम की लैंग्वेज यूज़ करें, अच्छा आए हम ये काम करते हैं, या आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा, अच्छा चलो आओ हम बैठते हैं और मुझे चेक कराओ, ठीक है। उसमें जो होगा वो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंडली ये कि हम जो अपनी मेमोरीज शेयर करना शुरू करते हैं, ठीक है, अब बताएं अच्छा इस तरह था कि मेरे दोस्त भी मुझे बहुत प्रेशराइज करते थे, मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसे कहा, लेकिन एक बार आपके नाना ने, अपनी एग्जांपल्स दें, खो फॉल्स एग्जांपल ही दे दें, खो आपके नाना ने कभी आपको सपोर्ट ना किया हो, आपके अब्बा ने, बच्चे को ज़रूर इज्जत रखें अपनी बच्चे के सामने, उसको बताएं कि मेरी जो है वो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन उसकी रीज़न क्या थी कि मैं उनसे बहुत शेयर करती थी, ठीक है, मैं शेयरिंग करता था उनके साथ, जिसकी वजह से फिर हम हर चीज़ को सॉल्व करते थे। इससे पता एक एम्पावरमेंट शो होती है, एक इनकरेजमेंट शो होती है, ठीक है, बच्चे को लगता है कि अच्छा ये इट्स नथिंग न्यू फॉर मी, नथिंग न्यू विद मी, एक्चुअली ये तो पहले भी होता रहा है मेरे पेरेंट्स के साथ भी, सो आई हैव टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंड, एक्नॉलेज करना, जैसे मैंने आपको बताया कि एट टाइम बच्चा कह रहा होता है कुछ कि मैंने नहीं करना, तो मान ले, कभी कभार के मानने में हर्ज नहीं है, ठीक है, एक उसकी भी बातों को एक्नॉलेज करें एट टाइम। जैसे वो कहे कि आज आपको लग रहा है कि सुबह पेपर है, वो कहे कि नहीं मैंने तो नहीं पढ़ना, तो कि नहीं आज तो बेटा पढ़ेंगे, वीकेंड पे हम कुछ काम करेंगे, डिलेड एटीट्यूड अगली चीज़ों पे डालते हैं हम, ठीक है। अपने बच्चे को इनकरेज करें कि वो अपने पूरे दिन की रूटीन आपको बताए,
ये तो मैं बार बार आपको सेशन के शुरू से कह रही हूँ, किसी भी मसले का हल बातचीत में। आपको पता, आपने बच्चे से पूछने हैं आपकी एक्टिविटीज़ क्या थी, स्कूल में क्या किया, घर में अगर बच्चा था क्या किया, दोस्तों के साथ क्या किया, क्या प्लान है आपके, कैसे इसको, फिर हम क्या कहते हैं कि अभी कॉपी रखी है, अच्छा मैं बताती हूँ तुम्हें ये कैसे करना है। नहीं, आप उससे पूछें, अच्छा आप मुझे बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा, आप मुझे बताएं इस इशू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है आप मुझे बताएं। अब बच्चे पे छोड़ें, आप उसके आइडियाज़ तो देखें, आप उसको मौका तो दें कि वो, आप जब उसे सुनना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो तो बहुत टैलेंटेड है भाई, वो 10 सॉल्यूशंस लेके आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। सो अच्छा उसके बाद क्या होता है कि डिस्कशंस जो होती हैं वो दैट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर वो जो यहाँ पे मेंशन है कि डिस्कशन का मतलब डिस्कशन है, डिस्कशन का मतलब लेक्चर हरगिज नहीं है। आपने लेक्चर नहीं देना बच्चे को कि अभी बातचीत शुरू हुई है तो आप फौरन नहीं कहते चुप पहले मेरी बात सुनो, उसमें क्या होगा, बच्चे को नो तो सिखा रहे हैं लेकिन नो नहीं सीखेगा वो, वो कहेगा यार यहाँ पे तो आई हैव टू लिसन टू माई मदर, बस आई हैव टू लिसन माई टीचर, मैंने तो बस सुनना है इनको। एंड फिर क्या होगा, जो उसकी शेयरिंग है, उसकी शेयरिंग की जो एक एबिलिटी होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा या जो ट्रस्ट लेवल होगा वो नीचे गिरेगा। टू वेज चीज़ें होती हैं मोस्टली। आपने बच्चे को क्या सिखाते हैं बेटा, जब दोस्त आपको कहे ना कोई काम तो आपने उनको कह देना है नो, ठीक है, जबकि आपने नहीं, आपने उसको बताना है कि एट टाइम दोस्त भी नो कह सकते हैं बेटा, एट टाइम उनकी भी कोई प्रॉब्लम होती है। इफ अगर यू आर फ्री, यू वॉन्ट टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, यू वॉन्ट टू गो आउट फॉर द वॉक, और वो कह रहे हैं कि नहीं आप जा रहे हो पढ़ना और वो कह रहे हैं अभी हमने नहीं पढ़ना, तो इसमें माइंड करने की बात नहीं। इसी तरह ही आपने अपने रिलेशनशिप्स को अलाइव रखना है, जिस तरह आप चाहते हो कि मेरी दोस्ती ख़त्म ना हो। अगर मैं आपको एक टाइम मना करूँ किसी काम से, तो आपने भी इसी तरह ही माइंड नहीं करना जैसे मैं नहीं करती, ठीक है।